हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। ये जो कहानी है ये बॉम्बे की है, जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। खैर इस शो का नाम है शांताराम। नाम सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी इंडियन शो की बात करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक फॉरेन शो है जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स होने वाले, लेकिन फिलहाल से 3 ही एपिसोड्स रिलीज हुए, जिसकी हर एक एपिसोड की लेंथ 52 मिनट से लेकर 1 घंटे की है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज देखने को मिल जाता है। ये एक एप्पल ओरिजिनल शो है। फिर शो की कहानी स्टार्ट होती है 1980 से ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर हमें नजर आते हैं चार्ली हनमैन एज डेल। अब डेल एक मर्डर में इन्वॉल्व है, इस वजह से डेल को हुई है जेल। अब जेल में डेल को खूब टॉर्चर किया जा रहा है, तो इसलिए डेल डिसाइड करता है कि किसी भी हाल में इस जेल से भाग जाएगा। अब ऐसा होता भी और डेल इस जेल से भाग भी जाता है, और भागता सीधा अपने बाप के यहाँ पर, जहाँ पर उसका बाप उसको एक फर्जी पासपोर्ट देता है और कुछ पैसे देता है। तो वो सारी चीजें लेके डेल पहुंच जाता है बॉम्बे, यानी कि आज का मुंबई। खैर इसके बाद डेल की लाइफ किस तरह से बदलती है, कैसे प्रोस्टिट्यूट, बॉलीवुड, गैंगस्टर, स्लम्स, ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में आती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये 3 एपिसोड देखने पड़ेंगे। जैसे डेल यहाँ पर बॉम्बे आता है, जितने भी दुकानदार है बॉम्बे के वो मादरचोद बोलते हैं। और यकीन मानो मैंने आज तक किसी दुकान वालों को, किसी फॉरेनर को मादरचोद, हाँ एक दो दुकान वाले बोल सकते हैं, एक दो पब्लिक बोल सकती है, पूरे दुकानदार ऐसा बोल रहे, ये तो मुझे कहीं सुनने को नहीं मिला मुंबई में, लेकिन ये शो में सुनने को मिलता है, जो कि मुझे काइंड ऑफ वियर्ड लगा। उसके अलावा लिन जिस बस से बॉम्बे आता है वो बस इतनी सड़ी हुई बताइए, मतलब यार पूरे मुंबई में 80s में ऐसी सड़ी हुई बस नहीं चलती थी। अगर सड़ी हुई बस चलती तो आपको अमिताभ बच्चन की मूवी में तो देखने मिलती ना, जबकि शान जबकि 1980 में आई तो उसमें भी BST की बस इतनी अच्छी बताइए, तो फिर इस पर्टिकुलर शो में इतनी गंदी बस क्यों बताई? क्या इंडिया उस वक्त ऐसा था? हर फॉरेनर जब भी कोई मूवी बनाता तो वो इंडिया को इतना गंदा बताता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इस शो में भी वो चीजें मुझे खटक रही थी, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी मेकर्स की, कि उन लोग ने रिसर्च बहुत ही अच्छी तरह से किया। क्योंकि जब आप लोग इस शो को देखोगे तो ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर रियल कौन सा फेक कौन सा, इतनी अच्छी तरीके से वो सेट डिजाइन किया, इतनी अच्छी तरह से इसका CGI किया है, वो विंटेज कार बताई है, वो कॉस्ट्यूम सब कुछ बहुत क्लासिक लगा मुझे। और हाँ एक माइनर डिटेल बताओ कि देखो मुंबई में वड़ा पाव तो फेमस है, तो इस शो में आपको बैकग्राउंड में वड़ा पाव बेचने वाले की वॉइस भी सुनने को मिलती है, मतलब ये बताता है कि उन लोगों ने कितनी रिसर्च की है। उसके अलावा शो के अगर प्लॉट की बात करूं तो यहाँ पर जो मेन प्लॉट है मुझे काफी मैसी सा लगा, क्योंकि इसके जो सब प्लॉट है वो उसको बहुत ज्यादा एकदम खिचड़ी बना रहे थे। हालांकि 3 एपिसोड देखने के बाद जज नहीं कर सकते कि ये शो आगे किस तरह से बढ़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल ये मुझे काफी एवरेज सा शो लग रहा है, मतलब जिसको बहुत ही बड़े स्केल में बनाया तो है लेकिन कहानी में उतना दम नहीं लग रहा है। शो की कहानी में जिस तरीके से हीरो घूम गया ना, वैसे ऑडियंस भी घूम जा रही है। स्पेशली मैं तो घूम ही गया था कि भाई आखिर चल क्या रहे, लोग बताना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अब आने वाले जो एपिसोड्स है वहां से डिसाइड होगा कि ये शो ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। शो में कैरेक्टर्स की बात करो तो कैरेक्टर्स काफी है जिनको अच्छी तरह से लिखा है, और उन कैरेक्टर्स को आगे किस तरह से टर्न करता है वो देखने वाली बात होगी। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो चार्ली हनमैन एज ए डेल या आप कह सकते हो एज ए लिन मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स है जिसमें इंडियन कुछ एक्टर्स भी है, वो लोगों ने भी अपने हिस्से रोल को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं अभी तक के। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार जो इसकी कास्टिंग है वो और भी अच्छी तरह से की जा सकती थी, क्योंकि कुछ ऐसे मेजर रोल है जिसके लिए लोग ने फॉरेन एक्टर्स को ही कास्ट किया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। अगर आप लोग इंडियन एक्टर इंडियन कैरेक्टर्स को बता रहे हो तो यार मोस्टली इंडियन एक्टर्स को लो, तो वो एक जो इंडियन ऑडियंस का देखने का मजा है ना, वो मजा और बढ़ जाता है और वो रियलिस्टिक भी लगता है। डायरेक्शन भी मुझे ओके लगा, मतलब ज्यादा कुछ अभी बोलेंगे नहीं शो को लेकर, और पेरेंटल गाइडेंस में तब बोलूंगा शो ऐसा अश्लील तो कुछ अभी तक बताया मैं इस शो की रेटिंग अभी दे नहीं सकता, क्योंकि शो पूरी तरह खत्म हुआ भी नहीं है। फिर बस आने वाले एपिसोड्स, अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दोगे तो ही देखूंगा, अदरवाइज अगर देखूंगा अभी तो मैं उसका रिव्यू नहीं करूंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।